हेलो, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर का पूरा सिलेबस यहाँ कराया जा रहा है, जैसे हिंदी कराई गई है और जीएस कराया जा रहा है। तो क्वेश्चन डीबीएमएस में हम करेंगे, टॉप 25 क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करते चलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डीबीएमएस का है, डेटा माइनिंग इन्वॉल्व एज अ मैकेनिज्म टू कैटर द लिमिटेशन ऑफ डैश या फील करना सिस्टम टू डील मैसिव डेटा सेट विद द हाई डायमेंशनलिटीज। तो कहने का मतलब डेटा माइनिंग के बारे में बोला है। उसका ऑप्शन होगा OLTP। OLTP का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, क्योंकि हमने बहुत वीडियो बना दी है गाइस। कम से कम 25 से 30 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं MCQs को लेकर के। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अगर वीडियोस देखा होगा आपने, OLTP का फुल फॉर्म आसानी से बता सकते हैं। तो मैं इसका फुल फॉर्म नहीं बताऊँगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इन रिलेशनल टेबल द टर्म्स एक्टिविटी इज ऑल्सो टू रिप्रेजेंट। देखिए, रिलेशन जो टेबल होती है, रिलेशनल टेबल, रिलेशनल का मतलब क्या होता है गाइस? डेटाबेस जो होती है तीन तरीके की होती है, ठीक है? तीन तरीके का डेटाबेस हम करते हैं। एक होता है हायरार्किकल, रिलेशनल और नेटवर्क। तो रिलेशनल डेटाबेस ज़्यादातर यूज़ होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस में टेबल होती है, ठीक है? डेटा जो भी होता है टेबल के फॉर्म में, रो एंड कॉलम में आपके रखी जाती हैं। तो उसमें एट्रीब्यूट कह रहा है, एट्रीब्यूट को हम क्या कहते हैं? तो एट्रीब्यूट जो कॉलम होती है, रो एंड कॉलम होती है, रो को हमारा टपल कहते हैं, एट्रीब्यूट को कॉलम और फील्ड भी कहते हैं, ठीक है? तो देखिए, इसको याद करने के आसान ट्रिक मैं बता दूं कि कॉलम को क्या कहते हैं। कैफ याद कर लीजिए। कैफ से आप कैसे पता चल जाएगा आपको, मोहम्मद कैफ या कैफ किसी का नाम, जैसे कैफे होता है, तो कैफ से जी कैफ की के फॉर सी फॉर हो जाता है आपका कॉलन, ए फॉर एट्रीब्यूट, फी एफ फॉर फील्ड। तो ये फील्ड होता है, कैफ को कहा जाता है इसमें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द डेटा इंटीग्रिटी RDBMS विल बी इन्फोर्स स्पेसिफिक बिजनेस रूल्स। तो ये होता है यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी। क्या होता है गाइज आंसर इसका? यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ है मैं बता दूँ, वो आपके आंसर हैं। फिर से क्वेश्चन एक बार रिपीट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ अ डेटा इंटीग्रिटी RDBMS विल इन्फोर्स स्पेसिफिक बिजनेस रूल। तो वो होते हैं यूज़र डिफाइंड इंटीग्रिटी, ER मॉडलिंग टेक्निक्स। देखिए, ER मॉडलिंग टेक्निक्स जो होती है वो क्या होती है? टॉप डाउन अप्रोच। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ER मॉडलिंग में। द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, तो नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं रिलेशन में, रिलेशन की बात अगर कर रहा है तो DBMS की बात कर रहा है, आप ऐसे समझिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की बात कर रहा है। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं इन रिलेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इनको डिग्री कहा जाती है। क्या कहते हैं? इसको डिग्री कहते हैं। सिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे है अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमॉन्ग द आइटम्स इन द डेटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो हायरार्किकल स्कीमा जो होती है, हायरार्किकल इस हिस्सा में टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीगेशन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ, एग्रीगेशन इज ए स्पेशल फॉर्म होता है एसोसिएशन। लास्ट वीडियो में हमने एग्रीगेशन का पढ़ा था। एग्रीगेशन क्या होता है कि वहाँ पे दो एंटिटीज़ जो होती हैं उनको कंबाइन करके सिंगल एंटिटीज़ में रिप्रेजेंट कराना होता है, तो उसको एग्रीगेशन कहते हैं। अब किसी को दो एंटिटीज़ को अगर वो कंबाइन कर रहा है तो कहने का मतलब एसोसिएट कर रहा है, तो एसोसिएशन भी इसको कह सकते हैं। इन ER डायग्राम यहाँ पे डैश रिप्रेजेंट की एट्रीब्यूट्स। तो गाइज, इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इक्लिप्स विद अंडरलाइन। तो ER डायग्राम में एंटिटीज़ को, जो एंटिटीज़ की होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, इक्लिप्स विद अंडरलाइन, यानी इक्लिप्स फॉर्म में होगा और अंडरलाइन नीचे लगी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, विच TCL कमांड्स इज यूज टू परमानेंटली सेव माय ट्रांजेक्शन इन टू डेटाबेस। कहने का मतलब यह है कि TCL कमांड में जो होता है, TCL कमांड में पूछ रहा है कि परमानेंटली, ठीक है, सेव माय ट्रांजेक्शन इन टू डेटाबेस। तो परमानेंटली सेव करता है ट्रांजेक्शन डेटा, हम उसको कहते हैं कमिट। गाइज, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे और बता दूँ, TCL के जो कमांड्स होते हैं स्पेशली दो ही कमांड होते हैं, रोल बैक होता है और कमिट होता है। बट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि परमानेंट सेव कर रहा है, तो उसको हम ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कमिट होगा। अब देखिए, फिर आ गया वही क्वेश्चन, विच TCL कमांड्स रिस्टोर्स द डेटा टू लास्ट कमिट स्टेट।
ठीक है, तो उसको कहते हैं रोल बैक। ठीक है, रोल बैक। और यहाँ पे देखिए कमिंग, टीसीएल के दोनों कमांड से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि क्या इसके यूज होते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इज यूज टू कंट्रोल प्रिविलेज इन डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच मॉडल रिमेन्स ऑपरेटिव अंटिल द सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। इसको कहते हैं स्पाइरल मॉडल। इन ओरेकल विच टेबल स्पेस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड व्हेन द क्रिएटिंग अ डेटाबेस। ये ओरेकल की बात कर रहा है। ओरेकल में मिनिमम टेबल स्पेस कितनी ज़रूरत होती किसी भी डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मिनिमम व्हेन क्रिएटिंग अ डेटाबेस, तो किस कह रहा है किस टेबल स्पेस के साथ, तो ये सिस्टम टेबल स्पेस होता है। ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर अ वीक इंटिटीज। देखिए वीक इंटिटीज का दूसरा नाम क्या होता है, उसको कहते हैं चाइल्ड। देखिए चाइल्ड से आप ऐसे समझिए गाइस, वीक इंटिटी यानी कि वीक इंटिटीज वो होती हैं जो बच्चे कमज़ोर होते हैं। चाइल्ड मतलब बच्चा वीक होता है यार, अपने से अपने कंपेरिजन में देखिए, तो चाइल्ड इसको कह सकते हैं। ओ डी बी सी इज बेस्ड ऑन। ओ डी बी सी जो होती है किस पे बेस्ड होती है, इसका भी फुल फॉर्म हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बता दिए हैं। आप अगर कंटिन्यूज देखते आएंगे तो वहाँ पे होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसका मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। तो ओ डी बी सी इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, तो ये एसक्यूएल पे बेस्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में ओ एल ए पी स्टैंड फॉर। ओ एल ए पी स्टैंड फॉर, हालांकि ओ एल ए पी भी आपको अगर पढ़े वीडियो देखे होंगे तो बता सकते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो देख लीजिए। यहाँ पे ओ एल ए पी का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग होता है। ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन 17 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर होगा ज्वाइन। ठीक है, ए इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे हम पुट करते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। द ऑपरेशन द ज्वाइन ऑपरेशन अलाउ द कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स वन फ्रॉम ईच रिलेशन इंटू अ सिंगल टपल। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ज्वाइनिंग का मतलब ये है कि दो रिलेशन को मर्ज करती है टपल के। ठीक है, वन फ्रॉम ईच रिलेशन, जो कि एक जो होती है हर रिलेशंस में वो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18। यहाँ पे फील करना है एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द वैल्यू इन द एट्रीब्यूट्स। तो वो क्या होते हैं जिसमें मल्टीप्लीकेशन होते हैं वैल्यू का किसी भी एट्रीब्यूट्स में। इज़ द मैनुपुलेशन में बार बार बोल रहा हूँ, इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द वैल्यू इन द एट्रीब्यूट्स। तो ये होता है कार्टीशन प्रोडक्ट्स। कार्टीशन प्रोडक्ट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द वैल्यू इन द एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, विच कमांड्स इज यूज टू रिमूव द रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस। देखिए अब ड्रॉप का क्या मतलब होता है, ये रिमूव करता है, तो रिलेशन फ्रॉम द एसक्यूएल डेटाबेस में से आपके रिलेशन को रिमूव करता है, उसको कहते हैं ड्रॉप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। इन एसक्यूएल द स्पेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स आर रिमूव्ड बाई। अब देखिए क्वेश्चन बन गया ना, यहाँ पे भी रिमूव्ड करने के कह रहा है, स्पेस एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, कोई स्ट्रिंग आपकी चल रही है उसको एंड में उसकी उस स्पेस को रिमूव करता है, उसको ट्रीम कहते हैं। देखिए ट्रीमिंग का मतलब होता है गाइस, अगर आप थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग वगैरह या कुछ भी कहीं, आजकल तो ऑनलाइन लोग पिक्चर वगैरह बनाते हैं, एप्लीकेशन ऐसी सी आई है वहाँ पे आप वीडियो को फोटोशॉप से या कहीं से ट्रिमिंग करना क्या होता है, एक तरीके का उसको रिमूव करना होता है उस साइज उतने स्पेस को जितना आप ट्रीम करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फील करना, इज़ यूज टू सेव परमानेंटली एनी ट्रांजेक्शन इन टू डेटाबेस। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर ए होगा कमिट। देखिए परमानेंटली सेव के लिए होता है ट्रांजेक्शन इन टू डेटाबेस, उसको कहते हैं कमिट। 25 क्वेश्चन है, अ यूनिट ऑफ स्टोरेज दैट कैन स्टोर वन और मोर रिकॉर्ड इन हैश फाइल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज डिनोटेड एज, तो इसको बकेट कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, बकेट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर यूज फॉर अपेंडिंग टू स्ट्रिंग. कहने का मतलब ये है, कह रहा वो कौन से ऑपरेटर होते हैं जो अपेंडिंग टू स्ट्रिंग्स को ऑपरेट करते हैं, ठीक है, यूज किए जाते हैं. तो वो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर. डी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, ऑपरेटर्स. क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं. द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS की बात कर, MIS स्ट्रक्चर्स विद वन मेन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड. तो इसको कहते हैं सी इज द राइट आंसर, सेंट्रलाइज्ड MIS स्ट्रक्चर. तो गाइज मैं आपको यहाँ पे टाइम नहीं दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन कर दे रहा हूँ. ये आप चाहे गलती समझें, अगर आप सजेस्ट कर सकते हैं आप बताइएगा. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको 25 क्वेश्चन शॉर्ट टाइम में, कम समय में मिल जाए, क्वेश्चन भी अच्छे हों, आपको वीडियो भी ज़्यादा समय ना लगे. आप अगर देखना चाहते हैं वीडियो पॉज करके आप देख लिया करिए. क्वेश्चन फिर से कर देते हैं. द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS जो होता है, स्ट्रक्चर विद वन मेन कंप्यूटर इज कॉल्ड. तो एक मेन कंप्यूटर से जो कनेक्टेड होते हैं ऐसे कह लीजिए, उसको सेंट्रलाइज्ड MIS कहते हैं, ठीक है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है. द हाइएस्ट लेवल इन द हायरार्की ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज इज कॉल्ड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द हाइएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की डेटा ऑफ ऑर्गेनाइज इज अ डेटा बेस इज अ राइट आंसर. तो गाइज ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होते हैं. 25 क्वेश्चन, इसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी. 25 के से दो तीन वीडियो तो और लेके आएंगे DBMS पे, जिससे DBMS के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपके पूरे कंप्लीट हो जाएं. गाइज अगर वीडियो अच्छा हो तो लाइक करते चलिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने से गाइज ये होगा कि वीडियो जो भी अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा. और हाँ, कोई सजेशन हो तो ज़रूर सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.